तो हमने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें सिर्फ समझाया था इस बारे में कि कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर किस तरह से कंज्यूमर फोरम का फायदा मिला था और कैसे कंज्यूमर का स्कोप बड़ा था, जिसके अंदर सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं और लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। तो जो तुम्हें नॉर्मली लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, अब थोड़ा हम टेक्निकली पढ़ रहे हैं अपने पापा चार्ट्स के साथ, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है वो कहता है कि हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। प्रमोट का मतलब क्या है? एजुकेट करना। अच्छा, ये एजुकेशन कौन देगा कंज्यूमर को? नॉर्मल एक गवर्नमेंट देगी, एक एनजीओ देगी, और कौन देता है? ये कंपनी खुद देती है। इन लोगों का काम क्या है कि कस्टमर को एजुकेट करना, यानी कंज्यूमर को एजुकेट करना एज फार एज उनके इंटरेस्ट के कंसर्न में। अब उनका इंटरेस्ट क्या है? तो अगर हम बात करें उनका इंटरेस्ट मतलब क्या, उनके राइट्स और उनके रिलीफ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इस पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बताया जाता है कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उसको, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या क्या उसको रिलीफ मिल सकती हैं और किस मैकेनिज्म के थ्रू वो अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट, यानी या फिर कह लो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो पहला तो क्या, प्रमोट कौन कर रहा है? सरकार ने बोला, गवर्नमेंट को भी, कस्टमर्स को बताना चाहिए, एनजीओ को भी बताना चाहिए और कंपनीज को भी खुद लोगों को ज्ञान देना चाहिए इस बारे में क्या कि आपका इंटरेस्ट, यानी आपका क्या राइट्स है आपके। फिर बोला गया उनको प्रोटेक्शन भी देनी है। यहां प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? यहां प्रोटेक्शन का मतलब है अगर कोई कंज्यूमर के साथ कुछ गलत करेगा तो ऐसे में कंज्यूमर अपनी शिकायत का मतलब उसकी प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उसकी शिकायत, प्रॉब्लम क्या है उसकी, ग्रेवियंस जिसे कहते हैं, वो अपनी शिकायत लेकर जाएगा। तो हम ये पढ़ चुके थे लास्ट क्लास के अंदर कि कहाँ जाएगा वो अपनी शिकायतों को लेकर, कंज्यूमर फोरम में, और उस फोरम में उसे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मतलब क्या? रिड्रेसल। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मतलब क्या? उसको मिलेगा रिड्रेसल। क्या मिलेगा उसको? उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब ग्रेवियंसिस का रिड्रेसल मिलेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब ग्रेवियंसिस का क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर कई बार ये सोचकर नहीं जाता है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए कि रहने दो यार, वकीलों के खर्चे बढ़ जाएंगे, मतलब क्या एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया नहीं, एक रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। किसका? कंज्यूमर का। एक रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, यानी क्या है, ये एक तरह की इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल होना चाहिए और स्पीडी। क्लाइंट सोच रहा है, कस्टमर कंज्यूमर सोच रहा है कि कौन जाए यार, इतना किसके पास टाइम है, तो जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में और कम से कम एक्सपेंसेस में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हम आते हैं इस बात पर कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। हाँ भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रमोट। और क्या करता है? प्रोटेक्ट। किसको? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, जिससे कि वो अपनी ग्रेवियंसिस का रिड्रेसल करा सके स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से। तो इस तरह से बनती है इसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की टेक्निकल क्या डेफिनेशन। हम बात करते हैं कि ये कौन है कंज्यूमर, जो कहां पर, जिसको क्या राइट दिया गया है कि वो कंज्यूमर फोरम में स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से अपनी सॉल्यूशन करवा सकता है। वो कौन है कंज्यूमर? तो अ पर्सन हु यूजेस या फिर कंज्यूम्स करता है जो गुड्स को, या फिर अवेल करता है सर्विसेज को। गुड्स को कंज्यूम करना और सर्विसेज को अवेल करना उसे कहते हैं क्या? कंज्यूमर। लेकिन बट एज पर दिस एक्ट,
एक्ट के अकॉर्डिंगली इसके लिए दो पर्पसेस बनाए गए, दो तरीके बनाए गए हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हु इज कंज्यूमर. फर्स्ट वन, एज फार एज पेमेंट कंसर्न, इसमें कहा गया अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और अवेल सर्विसेज और उसका विच हैज बीन पेड, उसने पहले ही पूरा पैसा पे कर दिया है या प्रोमिस्ड टू पे कि फ्यूचर में पे कर दूंगा और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस कि फ्यूचर में पे कर दूंगा, या फिर थर्ड एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट लिख लेना, इंस्टॉलमेंट सिस्टम. यानी इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ खरीदा जा रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीद रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तीन कंडीशन आई, पूरा पे कर दिया या बिल्कुल पे नहीं किया, थोड़ा पे कर दिया थोड़ा बाद में करेंगे, या फिर बिल्कुल भी पे नहीं किया, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में धीरे धीरे पे कर रहे हैं. पेमेंट चाहे कस्टमर से आया हो या ना आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंज्यूमर माना जाएगा. मतलब पेमेंट कंसर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पर्पस इंपॉर्टेंट है. तो पर्पस में पहली बात गुड्स को लेकर और फिर हम बात करेंगे सर्विसेज को लेकर. गुड्स, हु इज कंज्यूमर, किसको इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर के लिए. पहला तो कौन, हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मतलब वो इंडिविजुअल्स जो घरों में रहते हैं, वो जो भी खरीदते हैं अगर उनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जा सकते हैं कहां पर, कंज्यूमर फोरम, क्योंकि वो क्या है, कंज्यूमर. लेकिन वो छोटे बिजनेसमैन जो लाइवलीहुड के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस कर रहे हैं वो भी क्या माने जाते हैं, कंज्यूमर. लेकिन किसको नहीं मानेंगे कंज्यूमर, वो जो रीसेल पर्पस के लिए या फिर एनी कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, उसको, और जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रहा है उसको हम कंज्यूमर नहीं मानते हैं. किसको मानते हैं, सिर्फ जो लाइवलीहुड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहा है उसको हम मानते हैं क्या, कंज्यूमर इन केस ऑफ गुड्स. इन केस ऑफ सर्विसेज इट इंक्लूड्स क्या, एनी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड. क्या मतलब है अभी समझाता हूं. एंड किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, अ पर्सन हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस. क्या है इसको मैं समझाने के लिए आता हूं इधर. देखो भाई, हाँ भाई, ये हैं हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें क्या, सर्विस. सर्विस का मतलब हम मान लेते हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्रेनिंग, ठीक है. ट्रेनिंग मतलब एजुकेशन, एजुकेशन क्या हुआ, एक तरह की सर्विस. ये ट्रेनिंग लेने के लिए या तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भेजेंगे मेरे पास, या फिर जहाँ भी तुम कंपनी में जॉब कर रहे हो वो कंपनी मेरे पास भेजेगी, ठीक है. ध्यान देना, कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए भेजा. अच्छा, पैसा कौन पे करेगा इसका, ऑब्वियसली फी कौन पे करेगा इसकी, कंपनी को, कंपनी भेज रही है. अच्छा, कंपनी का मतलब वो कॉमर्शियल पर्पस तो वैसे ही हो गया उसका, ठीक है. अच्छा, कौन सर्विस अवेल कौन कर रहा है, अवेल का मतलब उसका, उसको कौन यूज़ कर रहा है, ये पर्सन. तो हमने बोला ये क्या कर रहा है सर्विस को, अवेल. अच्छा, कंपनी ने इसको भेजा क्यों है, क्योंकि ये अगर सीख कर आएगा तो किसको बेनिफिट देगा, तो कंपनी क्या है इस केस में, बेनिफिशियरी. क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिशियरी. यानी बेनिफिट वो जाके सर्विस लेकर तो आ रहा है एम्प्लॉय, लेकिन वो किसके बिहाफ में लेके आ रहा है, कंपनी के बिहाफ में. और कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी खुद तो ले नहीं सकती ट्रेनिंग, तो कंपनी किसी ना किसी एम्प्लॉय को भेजेगी क्या करने के लिए, सर्विसेज अवेल करने के लिए. लेकिन उसकी सर्विसेज का वो सीख कर आएगा तो किसको बेनिफिट देगा, तो हु इज बेनिफिशियरी, कंपनी. ऐसे पेरेंट्स के केस में, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को भेजा, जा बेटा ट्वेल्थ पढ़कर आ, सर अच्छा पढ़ाते हैं. अगेन
फी किसने पे की? अगेन ये सर्विस किसने अवेल की? अगेन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिशियरी कौन? वो खुद भी होगा और पेरेंट्स भी हैं फिलहाल तो. अब ध्यान से सुनना, क्योंकि कंपनी ने, ध्यान देना, कंपनी के केस में चाहे वो इंप्लॉई था या कंपनी थी, दोनों ही इसको पर्सनल यूज के लिए ले रहे थे या कॉमर्शियल पर्पस? कॉमर्शियल पर्पस. यानी कि अगर मैं इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं देता, अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता इन इंप्लॉयज को या इनकी कंपनी को, तो क्या ये मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट केस. लेकिन कहां पर? कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कोर्ट में? हेलो, तुम अभी कहां पर हो? तुम पहुंच चुके हो? हाँ, अभी ना मेरी अभी क्लास चल रही है, क्लास खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन करता हूँ. तुम कहां पर मिलोगे बताओ उसके बाद. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. मैं तुम्हें बस बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ बस, है ना, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें. ठीक है. क्या court. हाँ, ये कहा, क्योंकि कॉमर्शियल पर्पस है तो कोर्ट में जाके केस करेगा. अपने इंटरेस्ट यानी अपना जो उसका नुकसान हुआ है, वो नुकसान मुझसे कहां से निकलवाएगा? ये कोर्ट से. लेकिन ध्यान देना, इसका मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो सर्विस अवेल कर रहा हो या उसका बेनिफिशियरी भी, क्या कंपनी आ सकती है मेरे अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि वो पैसा भी कर रही है. क्या एम्प्लॉय आ सकता है? हाँ, क्योंकि वो सर्विस ले रहा है. लेकिन नीचे वाले केस में यहां पर ये क्या है, इसका पर्सनल पर्पस, मतलब ये कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे हैं. तो अगर ये स्टूडेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है, मैं इसको कम पढ़ाता हूँ या सही नहीं पढ़ाता हूँ, तो मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है. मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है. क्या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चा माइनर होगा, हो सकता है माइनर खुद केस ना कर पाए, तो उसके बेनिफिशियरी मुझ पर केस कर सकते हैं क्या? हाँ. ध्यान से सुनना फिर से, जो मैंने अभी भी बताया कि ये दोनों केस कर सकते हैं. हाँ, एकदम कर सकते हैं. कहाँ जाके? कोर्ट में. कंज्यूमर कोर्ट नहीं, कोर्ट. लेकिन ये लोग कहाँ केस करेंगे जाके? कंज्यूमर फोरम. क्लियर है? तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि सर्विसेज के केस में जो आदमी सर्विस ले रहा है, अगर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा. और अगर उसका बेनिफिशियरी जो कॉमर्शियल पर्पस ले रहा है, वो भी केस नहीं कर सकता, वो कंज्यूमर नहीं है. यानी वो जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए सर्विसेज अवेल कर रहे नहीं कर रहे हैं, वो लोग कंपनी, वो कंज्यूमर फोरम के थ्रू अपना केस कर सकते हैं. क्लियर है? तो ये क्या था? अब अगर क्वेश्चन आता है हु इज कंज्यूमर, तो तुम्हें आंसर में क्या बताना है? एज फार एज पेमेंट कंसर्न एज वेल एज पर्पस कंसर्न, दोनों के बेसिस बताना होता है आंसर. नाउ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? ऑब्वियसली कंज्यूमर. लेकिन आओ समझते हैं, एक कंज्यूमर जो अभी हमने पढ़ा वो तो फाइल कर सकता है, इसके अलावा रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन मतलब एनजीओज भी केस कर सकती है. एनजीओज भी केस कर सकती है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, एंड इसी के बिहाफ में करना है केस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती है कहां पर? कंज्यूमर फोरम में केस करने के लिए. बैच में थे 50 बच्चे, सब लोगों को मैंने बेकार पढ़ाया, तो उनमें से कोई भी एक बच्चा ऑन बिहाफ ऑफ, एक या कुछ बच्चे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल या न्यूमरस कंज्यूमर्स के बेस पे भी, बिहाफ में भी मेरे ऊपर केस कर सकते हैं. मैं एक भी कर सकता है, सब लोग मिलकर भी कर सकते हैं. या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, एक अगर कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट यूज किया और वो एक्सपायर हो गया कंज्यूमर, ऐसे में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं. तो इस तरह हमने देखा हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, पांच तरह के लोग. पहला खुद कंज्यूमर, दूसरा एनजीओ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ बहुत सारे कंज्यूमर्स, एंड लास्ट वन, इसको ऐसे बोलो, क्या इसको बोलना क्या है, प्रैक्टिकली नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव
है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट करता हो वो भी उसके बिहाफ में केस लड़ सकता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब क्या था उसका स्कोप का, मतलब जो भी हम यहां देखने जा रहे हैं, हाँ भाई, वेरी वाइड स्कोप है, मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स, बस सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, या मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सप्लाइंग गुड्स को सप्लाई करता हो, या फिर सर्विसेज को बेचता हो, यानी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है। मतलब इनमें से कोई भी आपके साथ कुछ गलत करता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। क्या था ये स्कोप ऑफ, क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो क्या है, वाइडर स्कोप। कैसा है वाइडर स्कोप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो पहले क्या था, जब ये लाइक हमने बोला 1986 में ये बनाया गया था एक्ट, जब स्टार्टिंग हुई तो क्या हुआ, कौन जा सकता था, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम में कौन जा सकता था, सिर्फ हाउस होल्ड, जो क्या पर्सनल पर्पस के लिए काम करते थे, और वो जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम करते थे, वो जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम करते थे, इनको दो पार्ट से बांट दिया गया, स्मॉल बिजनेस और दूसरी तरफ बिग बिजनेसेस। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर हमने जैसे क्या माना, एक तरह से सोल ट्रेडर, और यह माना गया कि जो सोल ट्रेडर है वो किसके लिए काम करता है, तो वो लाइवलीहुड के लिए काम करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है। व्हाट इज लाइवलीहुड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप खुद को एम्प्लॉयड कर रहे हो, दूसरों को नौकरी नहीं दोगे, दूसरों को काम नहीं दोगे, उसे बोलते हैं लाइवलीहुड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वो जो करती है वो क्या है, मेन वैसे बोथ आर कॉमर्शियल पर्पस, लेकिन हुआ क्या, स्टार्टिंग में सिर्फ अलाउ किसको था, हाउस होल्ड को, बाद में ये किसको और अलाउ हो गया, स्मॉल बिजनेसेस को, वो बिजनेसेस जो लाइवलीहुड के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते थे, और बिग बिजनेस अभी भी क्या थे, एक्सक्लूड थे, वो अभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। तो स्कोप बड़ा, हाँ स्टार्टिंग में सिर्फ हाउस होल्ड हुआ करते थे, बाद में छोटे बिजनेसमैन भी इसका पार्ट बन गए, उसको क्या बोलते हैं, स्कोप क्या हुआ, वाइडर, स्कोप वाइडर हो रहा था, क्या हो रहा था, स्कोप वाइडर। तो एक बार देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज, कॉमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ कंज्यूमर फॉर द गुड्स बॉट एंड यूज बाय हिम एंड सर्विसेज अवेल्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर कर वो अपने लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे में हम उसको क्या, उसको इसके अंदर स्कोप के अंदर क्या किया, उसको भी क्या मान लिया, कंज्यूमर मान लिया, इसका मतलब वो भी कहा जा सकता है कंज्यूमर फोरम। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था कि कॉमर्शियल पर्पस वाले कंज्यूमर फोरम नहीं आ सकते, लेकिन अरे सोल ट्रेडर भी कर तो कंज्यूमर पर्पस पर ही काम कर रहा है ना। हाँ, लेकिन इसे हम बोलते क्या है, उसके बाद भी ये क्यों है, क्योंकि इसको हमने माना क्या, एक्सेप्शन। क्या बोला, एक्सेप्शन ऑफ किस चीज का एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ऑफ कॉमर्शियल पर्पस। कौन है एक्सेप्शन, सोल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसेस एक्सेप्शन में आते हैं, ये कॉमर्शियल पर्पस तो है ही, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन ये इतना कम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं कि इनको क्या किया गया, कंज्यूमर फोरम का बेनिफिट इनको दिया गया। कंज्यूमर फोरम का बेनिफिट इनको दिया गया। तो आगे आते हैं, दिस इज क्या, एन एक्सेप्शन ऑफ रूल दैट अ बायर ऑफ द कॉमर्शियल पर्पस। एक्सेप्शन क्यों, कॉमर्शियल पर्पस होने के बाद भी वो कंज्यूमर फोरम में जा पा रहा है, एंड इट इज नॉट अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट व्हेन
goods are bought for the commercial purpose and such purchases satisfy the following condition when such use would not be termed as the commercial purpose under the act. यानी कि वो लोग जो livelihood के लिए काम कर रहे हैं, self employment कर रहे हैं, उनको commercial purpose के अंदर नहीं रखा गया. ये क्या था उसका exception? क्या था ये? तो ऐसे ही commercial purpose के अंदर भी नहीं आता, consumer के अंदर भी नहीं आता. नहीं, consumer तो आ रहे हैं, consumer तो बन गए ना वो. Who can file a complaint? पहला एक household, और कौन जुड़ गया? जो वो businessman जो क्या कर रहे हैं, जो livelihood के लिए self employment कर रहे हैं. कहां पर? पहले नहीं थे, फिर एक्सेप्शन बनाया ना, पहले नहीं थे उसके बाद उनको इंक्लूड कर दिया गया. अब देखो इसके अलावा तीन केस बन रहे हैं जैसे हम यहां पर देख रहे हैं. कौन माना जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला? द गुड्स आर यूज बाय बायर हिमसेल्फ. सेकंड, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग इज लाइवलीहुड, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखते हैं. देखो भाई, एक्स ने एक ट्रक खरीदा और हिमसेल्फ खुद चलाया, क्या वो कंज्यूमर है? Yes, हाँ. वाई ने एक ट्रक खरीदा और हायर किया एक ड्राइवर, तो अब वो अपने लिए नहीं कर रहा है. अगर हायर कर लिया मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. थर्ड वन, जेड एक ग्रोसरी शॉप चला रहा है एंड ही स्टार्ट अनदर बिजनेस, एक और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन, यानी कौन सा इंटेंशन कि छोटे बिजनेसमैन को कंज्यूमर बनाया जाए, इज टू एक्सक्लूड बिज बिजनेस हाउसेज कैरिंग ऑन द बिजनेस विद द प्रॉफिट मोटिव फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट. एट द सेम टाइम इट इज पर्टिनेंट टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द किसका? स्मॉल कंज्यूमर्स who buy goods for self-consumption to earn their livelihood, such as farmer purchasing fertilizers for his crops. ऐसे ही taxi driver buy car for खुद चलाने के लिए. Clear है? तो अभी जो हमने वहाँ लिखवाया वो same चीज़ है यहाँ पर. Note, इसके अंदर हम last पढ़ रहे हैं क्या क्या note है इसका. In case of goods or in case of services, मैं already बता चुका हूँ. In case of goods, buyer of the goods for the commercial purpose sees, वो consumer प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता. ऐसे ही फॉर कॉमर्शियल पर्पस सर्विसेज के केस में भी, वो सर्विसेज जो कंज्यूमर रिमेन्स अ कंज्यूमर अंडर, ये लाइन गलत हो गई है, सर्विसेज के केस में नहीं आएगा, है ना, कॉमर्शियल पर्पस नहीं आएगा. अगर सर्विसेज कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही हैं तो वो केस नहीं कर सकता है. क्लियर है? ये क्या था हमारा पहला पॉइंट, हमने पढ़ा था हु इज अ कंज्यूमर, फिर हमने पढ़ा हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, फिर हमने पढ़ा कि स्कोप क्या है इसका, कैसा है वाइडर स्कोप. वाइडर स्कोप में क्या बताना है? बस ये बताना है कि जो पहले बिजनेसमैन नहीं माने जाते थे वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए. हाँ, अब मैं आता हूं इस बात पर. हाँ, पहला क्या था हमारा, पहला पॉइंट क्या था हमारा, हु इज अ कंज्यूमर. दूसरा, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कितने लोग? पांच लोग. तीसरा, उसका स्कोप क्या था? वाइडर, हाई, वो हाउस होल्ड से कौन जुड़ गए बाद में? छोटे बिजनेसमैन भी इसके अंदर जुड़ गए. फाइनली हम कह रहे हैं पहला क्या, हु इज द कंज्यूमर. दूसरा क्या, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट. तीसरा क्या, स्कोप. अब हमने कहा हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, वन टू थ्री फोर फाइव.
ये चारों के चारों कंप्लेंट कहाँ लेकर जाएंगे? कंज्यूमर फोरम। अब हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये कंज्यूमर फोरम है ये कितनी है, कंज्यूमर फोरम। तो कंज्यूमर जो फोरम है हमारे पास वो है 1, 2 एंड 3, तीन कंज्यूमर फोरम्स है। कितनी है? तीन। तो कौन कौन से फोरम है ये? तो सबसे पहले ये हमने किया नहीं था लास्ट टाइम, ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसे थोड़ा फोकस करना। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारा है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरी होती है हमारी स्टेट फोरम, और तीसरी होती है हमारी कौन सी, नेशनल फोरम। इन तीनों ही फोरम्स के अंदर एक एक होता है, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फोरम में कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए 2 मेंबर्स, स्टेट फोरम में मोर देन 2 मेंबर्स, और नेशनल फोरम में मोर देन 4 मेंबर्स। और जिसके अंदर कंपलसरी है 1 मेंबर शुड बी विमेन मेंबर। आउट ऑफ 4 मेंबर 2 मेंबर एंड इन मेंबर्स में 1 विमेन होना जरूरी है, विमेन एम्पावरमेंट। इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट फोरम में कौन अपॉइंट करता है इनको? अगेन स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल फोरम में इन्हें कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी वापस आते हैं, कितनी है फोरम? तीन। पहला क्या? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तीनों में एक एक प्रेसिडेंट, इसके अलावा पहले में 2 मेंबर, मोर देन 2 एंड मोर देन 4 मेंबर्स, एंड एटलीस्ट 1 मेंबर शुड बी विमेन मेंबर। 1 मेंबर शुड बी विमेन। अब बात आती है इन फोरम्स में कौन से केसेस लड़े जाते हैं। तो ऐसा कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में से वही केसेस लड़े जाएंगे जिनकी कॉम्पनसेशन यानी केस की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 20 लाख। इतने जीरो लगा के बर्बाद क्यों कर रहे हैं जीरो को, 20 लाख। स्टेट फोरम में 20 लाख से ऊपर के केस, यानी 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच के केस लड़े जाएंगे, और नेशनल फोरम में अबव 1 करोड़ के केस लड़े जाएंगे। तो कौन से केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में लड़े जाते हैं? वो जो 20 लाख से क्या हो, कम हो। 20 से ज्यादा स्टेट फोरम, 1 करोड़ से ज्यादा नेशनल फोरम। हाँ जी, तो सबसे पहले केस की बात अगर हम करें, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर 20 लाख का केस, 20 लाख से कम वैल्यू का केस पहुंचेगा, और जब ये केस पहुंचेगा तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या करेगी? सबसे पहले ये करेगी रेफर। क्या करेगी? यह रेफर का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम वो आदमी जिसके अगेंस्ट केस किया है आपने इस कंपनी के अगेंस्ट, उसको बुलाएगी, बोलेगी आओ आके बैठो और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रोड्यूसर आया, उसने प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दी तो अच्छी बात है, केस लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में अब कौन, फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम अपने कस्टमर के बिहाफ में करवाएगी लेबोरेटरी टेस्ट। इफ
रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब कंज्यूमर बोल रहा है ये प्रोडक्ट खाकर मुझे दिक्कत हुई, ये इनका प्रोडक्ट है, तो वो कंपनी कह रही है नहीं हमारा सही था, बाद में इसने मिलावट की है। अब इस चीज़ की कौन जांच करेगा? लेबोरेटरी। इफ़ रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम करवाएगा कहाँ से? लेबोरेटरी टेस्ट करवाएगा। अच्छा, अगर लेबोरेटरी टेस्ट में पाया गया कि नहीं कंज्यूमर गलत है, तो ऑब्वियसली केस नहीं होगा आगे। लेकिन अगर कंज्यूमर की बात सही निकल के आती है तो ऐसे में केस शुरू हो जाएगा। इट मीन्स क्या शुरू हो जाएगी? हेयरिंग। वॉट इज हेयरिंग? केस के लिए डेट शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई आ जाओ इस डेट को, तुम्हारा केस है, दोनों पार्टी आओ आमने सामने बैठो, ठीक है। अब जब हेयरिंग होगी तो क्या होगा? एक पास होगा जजमेंट, यानी कि क्या? ऑर्डर। हेयरिंग होगी तो डिसीजन होगा ना, डिसीजन का मतलब ऑर्डर पास होगा। जो भी ये ऑर्डर पास होगा, ये ऑर्डर, हाँ भाई ये ऑर्डर या तो सेटिस्फाइड, इससे इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड होगा कस्टमर, या फिर डिस सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर इससे इस डिसीजन से जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसके फेवर में दिया हो या अगेंस्ट दिया हो, दोनों ही कंडीशन में अगर डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अगले विद इन नेक्स्ट 30 डेज, विद इन 30 डेज वो कहां जाएगा केस करने के लिए? स्टेट फोरम में। यानी कौन जाएगा? जो डिससेटिस्फाइड अपील, कहां की अपील? डिस्ट्रिक्ट फोरम की। डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर था, वो अपना केस लेके अगले 30 दिन में कहां जा सकता है? स्टेट फोरम। कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मैं वो ये कंज्यूमर के राइट्स हैं, कंज्यूमर की लड़ाई हो रही है। तो डिससेटिस्फाइड केस कहां जाएंगे? स्टेट फोरम में, विद इन 30 डेज। अब एक बार ध्यान सुना मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम? ओनली दोज जिनका केस कितना है, कॉम्पनसेशन 20 लाख से कम का है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन स्टेट फोरम? एक नहीं बोला, तो मैं क्या बोला? दोज जिनका कंप्लेंट 20 लाख से बिटवीन 1 करोड़ हो, एंड ऑल दोज जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से डिससेटिस्फाइड है, वो विद इन 30 डेज यहां पर आके केस कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे ही वो आएंगे यहां पर केस करने के लिए, अगेन सेम चीज रिपीट हो जाएगी। पहले क्या होगा? रेफर किया जाएगा किसको? जो प्रोड्यूसर है। हाँ भाई क्या बात है, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर प्रोड्यूसर नहीं माना, इफ रिक्वायर्ड क्या? लेबोरेटरी। अगर पाया गया कि हाँ भाई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो क्या शुरू हो जाएगी? हेयरिंग। हेयरिंग शुरू होगी तो क्या पास होगा? अगेन ऑर्डर में कस्टमर या तो सेटिस्फाइड होगा या फिर डिससेटिस्फाइड होगा। अगर सेटिस्फाइड हुआ तो अच्छी बात, अगर वो डिससेटिस्फाइड हुआ तो एक बार फिर उसको कितने दिन मिलेंगे? 30 डेज। विद इन 30 डेज यानी कि डिससेटिस्फाइड अपील कहाँ की? पहले कहाँ की थी? डिस्ट्रिक्ट फोरम की। अब कहाँ की? स्टेट फोरम से जो डिससेटिस्फाइड है, वो विद इन 30 डेज अपना केस कहाँ ले आ सकता है? नेशनल फोरम। अगेन नेशनल फोरम में फिर से सेम काम होगा, क्या? पहले रेफरेंस, फिर इफ रिक्वायर्ड, फिर हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या पास होगा? ऑर्डर पास होगा। अगेन या तो वो सेटिस्फाइड होगा या फिर क्या होगा? डिससेटिस्फाइड होगा। अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो डिससेटिस्फाइड हुआ तो क्या? तो अब इसके लिए ध्यान क्या देना है, अगर 1 करोड़ वाला केस जो था, वो जो 1 करोड़ वाला केस था, अगर ये बंदा डिससेटिस्फाइड हुआ, तो ये जाएगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हाँ भाई ये डिससेटिस्फाइड हुआ, तो ये इसके आगे फर्दर किसी फोरम में किसी कोर्ट भी जाने का इसको अलाउ नहीं है। अगेन सुप्रीम कोर्ट कितने दिन में जाना होगा उसको? 30 डेज। हाँ,
30 दिन के अंदर उसको अगले फर्दर फोरम में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। हाँ भाई, तो अभी हमने क्या किया, एक वापस देख लेते हैं पूरा। तुमने देखा होगा ज्यादातर प्रोसेस सेम थी, कुछ खास अलग था नहीं। तीन तरह के फोरम थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। एक एक प्रेसिडेंट, दो मेंबर, मोर देन टू एंड मोर देन फोर, एंड एटलीस्ट वन शुड बी विमेन। ठीक है, सेकंड, ये कौन बनाता है टीम। यहाँ पर पहले में डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फोरम में स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल फोरम में सेंट्रल गवर्नमेंट। किस तरह के केस आते हैं, 20 लाख से कम, 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अबव। इतना ही नहीं, बाकी दो में कौन से आते हैं, लेकिन हम उसको आगे कवर कर लेते हैं। हाँ भाई, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जब अब हम आते हैं कहाँ पर, जब कोई कंप्लेंट लेकर आया तो सबसे पहले क्या होगा, तीनों में होता है रेफर। पहले फिलहाल एक एक करके चलते हैं। रेफरेंस होगा कि आजा भाई सुलझा लो केस, अगर नहीं सुलझा तो इफ रिक्वायर्ड लेबोरेटरी टेस्ट होंगे कि ये जो कंप्लेंट है वो सही है गलत है। अगर वो सही मिलती है तो हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हेयरिंग के बाद ऑर्डर पास होगा, वो सेटिस्फाइड होगा या डिससेटिस्फाइड कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेक्स्ट विद इन 30 डेज नेक्स्ट यानी कहाँ, स्टेट फोरम में पहुंचेगा। स्टेट फोरम में अब क्या है, वो डिससेटिस्फाइड रहा इसलिए वो वहां पहुंचा। तो अब दो तरह के केस पहुंचे स्टेट फोरम में, वो जो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है और जो डिससेटिस्फाइड है। फिर क्या हुआ, फिर से सेम चीज, रेफरेंस स्टार्ट हुई, रेफर हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट हुए, हियरिंग स्टार्ट हुई, फिर ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड तो विद इन 30 डेज अगेन वो कहां जा सकता है, नेशनल फोरम। अब नेशनल फोरम में सेम प्रोसेस स्टार्ट होगी, पहले क्या रेफर, फिर लेबोरेटरी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, हियरिंग, ऑर्डर पास, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, और लास्ट में अगर 1 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है तब तो सुप्रीम कोर्ट आगे जा सकता है, लेकिन पुराने ऑर्डर आगे नहीं जा सकते। मतलब डिससेटिस्फाइड जो अपील थी, जो कहां से स्टेट फोरम से और डिस्ट्रिक्ट फोरम से आई थी, उसको आगे अलाओ नहीं है। हाँ भाई, जरा आते हैं इधर। डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसे कहते हैं हम, मशीनरी हमारी है जो क्या करती है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसे मशीनरी बोलते हैं। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक प्रेसिडेंट, दो मेंबर्स, वन शुड बी विमेन, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या केस होता है, न्यू अपील क्लेम जो 20 लाख से कम का हो। रेफर, पहला क्या होगा, अंडरलाइन करना सिर्फ रेफर पर, रेफर कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड। पॉइंट नंबर टू, इफ रिक्वायर्ड क्या, लेबोरेटरी टेस्ट किए जाएंगे। इफ रिक्वायर्ड गुड्स कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड। फिर पास होगा क्या, एक ऑर्डर, क्या पास होगा, एक ऑर्डर, और ऑर्डर के पास होने के बाद क्या होगा। हाँ भाई, तो ऑर्डर पास हुआ, फिर इफ एग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन थर्टी डेज वो स्टेट फोरम में चली जाए। स्टेट फोरम के बारे में, कम से कम एक प्रेसिडेंट, नॉट लेस देन टू मेंबर्स, मतलब मोर देन टू मेंबर्स, वन शुड बी विमेन, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह की अपील आती हैं, एक तो न्यू अपील जो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो, और दूसरी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिससेटिस्फाइड जो थे। फिर अगेन क्या करना है, रेफर। फिर क्या, इफ रिक्वायर्ड लेबोरेटरी टेस्ट, फिर हियरिंग स्टार्ट, फिर ऑर्डर पास, और फिर अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो 30 दिन के अंदर नेशनल फोरम चले जाए। नेशनल फोरम, एक प्रेसिडेंट, नॉट लेस देन यानी फोर देन मोर देन फोर मेंबर्स, वन शुड बी विमेन, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से केस आते हैं, 1 करोड़ से ऊपर और जो स्टेट फोरम के केस हो। फिर क्या होती है, रेफर होता है, अगेन लेबोरेटरी टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, हियरिंग स्टार्ट, ऑर्डर पास, नॉट सेटिस्फाइड। अगर 1 करोड़ वाला नॉट सेटिस्फाइड तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन अगर जो पुरानी अपील वाला है वो आगे फर्दर कहीं नहीं जा सकता। क्लियर है साहब जी? तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा, हमारी फोरम्स थी, यानी क्या, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। ओके, थैंक यू।